लॉकडाउन में 25 अप्रैल तक तौसीब मुतादित शोबों को रिलीफ, तरजीह हजाम पलम्बर तरखान और इलेक्ट्रिशियन की दुकानें खोलने की इजाज़त, सरिया सीमेंट बजरी रेत के यूनिट्स और भट्टे चलाने की इजाज़त, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जरिए आलात बनाने वाले यूनिट मातनियात कानकनी इमारात की तामीर व मरम्मत और सड़कों की तामीर से मुंसलिक कामों पर पाबंदी नहीं होगी। रियल इस्टेट केमिकल इंडस्ट्रीज वेटनरी सर्विसेज पेपर एंड पैकेजिंग बुक शॉप्स शीशा बनाने वाली फैक्ट्रियां और पौधों की नर्सरियां भी खुलेंगी। फजाई सफर ट्रेन ऑपरेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी पर पाबंदी रहेगी। तमाम मार्केट्स शॉपिंग मॉल्स पब्लिक एंड ट्रांसपोर्ट दफातर बंद रहेंगे। शादी तकरीबात शादी हॉल्स सालगिरह इवेंट सेमिनार्स और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार। लॉकडाउन में नरमी का नाजायज फायदा ना उठाया जाए, मकामी सतह पर लॉकडाउन में नरमी या सख्ती का इख्तियार कमिश्नर को होगा। अस्पतालों स्कूलों और सड़कों की तामीर को मशरू तौर पर खोला जाएगा। वज़ीरे आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, कोरोना टेस्ट की इस्तेदाद का 10,000 रोजाना तक बढ़ाने का ऐलान। 43,000 से जायद कोरोना टेस्ट किए जा चुके वज़ीरे आला। लॉकडाउन में नरमी, सरकारी महकमों की छुट्टियां खत्म, तमाम महकमों के सेक्रेटरीज को आज से काम करने की इजाज़त। तमाम इंतजामी महकमे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। सिविल सेक्रेटेरिएट, महकमा स्कूल्स, महकमा हायर एजुकेशन और महकमा लेबर खोलने का हुक्म। महकमा इनहार तामीर मवासिलात और महकमा वुमेन डेवलपमेंट भी खुलेंगे। ऑनलाइन काम करने वाले मुलाजमीन को घरों से ही काम जारी रखने की इजाज़त। महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोरोना का मर्ज बढ़ने लगा, लाहौर में वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 475 हो गई। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजीद 77 केस, तादाद 2,945 हो गई। 701 जायरीन सेंटर्स, 1,055 ड्राइवन से मुंसलिक अफराद, 89 कैदियों, 1,121 आम शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक। और लॉकडाउन में मुस्तहकीन की कफालत, एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम का 5वां रोज, खवातीन को 12,000 रुपए फी का इमदाद। शहर भर में 31 सेंटर से रकम की तरसील, 4 रोज में 31,850 अफराद की माली इमदाद, 9,30,00,000 रुपए की अदायगी। कैश काउंटर्स की तादाद 103 से बढ़ाकर 110 कर दी गई। तमाम सेंटर्स पर कोरोना से बचाव के लिए खसूसी इंतजाम, सैनिटाइजर्स, क्लोरीन से मिले पानी से स्प्रे और धुलाई।